शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी दौरा जारी। भीलवाड़ा जिले के बिगोद कस्बे में कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सीएम ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का किया अवलोकन। सादुलपुर कस्बे में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। कार्यक्रम में पहुंची राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया भी खुद को नहीं रोक पाए। खिलाड़ियों के कबड्डी खेलने के लिए मैदान में उतर गई कृष्णा पूनिया। झुंझुनू में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता से जुड़ा एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इसमें भड़ौंदा कला टीम के 64 साल के खिलाड़ी नथुराम सोनी युवाओं के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ बॉल पर शूट करते दिखाई दिए। लंपी वायरस को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने सरकार पर लगाया वायरस को गंभीरता से न लेने का आरोप। रामलाल शर्मा ने कहा 20 सितंबर को करेंगे विधानसभा का घेरा। नगर परिषद हनुमानगढ़ ने टाउन के जिला अस्पताल के बाहर नगर परिषद द्वारा ही आवंटित 16 कियोस्क को ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस जाब्ते के बीच पहुंची नगर परिषद की टीम ने पीला पंजा चलाया। महिलाएं बच्चे भी विरोध में शामिल हुए। उदाहरण के झाड़ोल में देखने बदहाल सड़कें हुई जानलेवा। झाड़ोल से लीलागढ़ तक रास्ता खराब होने से 108 समय पर नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। महिला का सड़क पर ही हो गया प्रसार। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लेट लतीफी का आलम। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने लगाई अस्पताल में अटेंडेंस क्लास। डॉक्टर और स्टाफ का रजिस्टर लेकर बैठे प्राचार्य। जयपुर के शाहपुरा में बेकाबू ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार एक महिला समेत 3 लोग घायल। कार में फंसी महिला को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। धौलपुर में सरवतुरा में रोडवेज की बसों में चलता है शराबी स्टाफ। धौलपुर से करौली के लिए जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में नशे की हालत में मिली बस परिचालक। जयपुर में रामपुरा फाटक से मंगलम आनंदा के डिग्गी रोड तक सड़क की दुर्दशा को लेकर प्रदर्शन। सीवरेज पानी का टैंकर लेकर पहुंचे विधायक अशोक लाहौटी। विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी ने स्थानीय लोगों के साथ किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जिले में मौत का आंकड़ा 112 तक पहुंच चुका है। वहीं 637 गायों में लंपी संक्रमण की पुष्टि। श्रीमाधोपुर में नगर पालिका की ओर से मृत गौवंश को खुले में डाला जा रहा है। भोजलाई जोड़े में करीब एक दर्जन से अधिक गौवंश के शव पड़े हैं। सीकर के फतेहपुर में कसेरा ब्रिज और सीकर रोड बिंद्रापुर गौशाला में बनाए गए लंपी निदान केंद्र में बदहाली का आलम। पशु चिकित्सक दिखा रहे मनमानी। गंगानगर के अनूपगढ़ में डीएपी खाद का एक रैंक पहुंच गया। जानकारी मिलते ही किसान बड़ी संख्या में नई धान मंडी पहुंचे। सुबह से ही डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लगी है। कोटा के नयापुरा थाने में आत्मदाह की कोशिश का मामला। लापरवाही को लेकर नयापुरा थाना एसएचओ भूपेंद्र सिंह को किया गया लाइन हादसे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का स्वास्थ्य निरीक्षक 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आवास और अन्य ठिकानों पर तलाश जारी। उदयपुर के फलासिया में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। फलासिया थाने से 400 मीटर दूरी पर वारदात। 5 किलो चांदी के आभूषण समेत नकदी चोरी। झुंझुनू के हीरवा गांव में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ताऊ के घर से 10 लाख रुपए और नकदी चुरा ली, ज्वेलरी चुरा ली। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 24 घंटे में ही वारदात का खुलासा कर दिया। जयपुर में पुलिसकर्मी बनकर घर में घुसने का मामला। भांकरोटा पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एमपी गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामगंज मंडी इलाके की रैदास कॉलोनी में महज 100 मीटर के दायरे में चोरी की वारदात से हड़कंप। चोरों ने पहले घर के बाहर खड़े ऑटो को निशाना बनाया। वहीं उस दूरी पर ही रामदेव मंदिर के पास खड़ी कार के कांच फोड़ दिए। डूंगरपुर जिले के बादी घाटी में एक युवक पर चाकू और भाले से जानलेवा हमला। हमलावरों ने युवक से 35,000 रुपए की राशि लूटी और मौके से फरार हो गए। झालावाड़ शहर के पुराने जेल रोड इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला। पुलिस ने दिखाई तत्परता। वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सिंघाना में गांजा बेचते युवक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद। सिंघाना एसएचओ भजनाराम के नेतृत्व में कार्रवाई। सरमधुरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन में वांछित चल रहे 2 इनामी अपराधियों को धर दबोचा। दोनों आरोपियों पर धौलपुर एसपी द्वारा 250 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। अलवर के निमराना में पुलिस ने की कार्रवाई। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति समेत सास ससुर पर हमला करने और जेवरात चोरी कर फरार हुई बहू को पुलिस ने दबोचा। सीकर के नीमपा थाना में
परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो वाहनों का करीब 1,70,000 रुपए का जुर्माना किया। उप परिवहन अधिकारी रॉबिन सिंह ने टोडा चौकी प्रभारी पर ओवरलोड वाहनों का रिसीव नहीं करने और उनका सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। चाकसू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग डेरों पर कार्रवाई करते हुए दबिश दी और 41 लोगों को डिटेन कर 5 वाहन और 35 मोटरसाइकिल जब्त किए। सीकर के रिद्धि सिद्धि आई केयर अस्पताल में चोरी की वारदात। अज्ञात चोरों ने अंदर घुसकर पहली मंजिल से बिजली के तारों की चोरी कर ली, साथ ही चोर दीवार में लगे तारों को भी काट कर ले गए। सीकर के सदर थाना इलाके में ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक युवक से कुल 33 पुड़िया ब्राउन शुगर की भरी हुई पाई गई। नागौर के जायल थाना इलाके में 8 सितंबर को विवाहिता का शव मिलने के मामले में कार्रवाई। दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस नामजद आरोपी महेंद्र जाट को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में खेत पर कृषि कार्य में जुटी एक महिला को जहरीले जीव ने काट लिया। परिवार के लोग आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाईमाधोपुर की बौली में पुलिस का एक्शन। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के खादीवाला क्षेत्र में हो रही हरी लकड़ियों की तस्करी। बीएसएफ ने 40 क्विंटल के करीब हरी लकड़ियों के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में मोबाइल टावरों से मशीन चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश। सदर पुलिस ने गैंग सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारा के कोटड़ी सुंडा गांव में पार्वती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। टोंक के सोप कस्बे में शिक्षकों की मनमानी से बच्चों की हो रही पढ़ाई चौपट। स्कूल में समय पर नहीं आते शिक्षक नाराज। अभिभावकों ने लापरवाह टीचरों से बातचीत की। सीकर के टोडा में मुख्य सड़क पलासाला के पास खनन बंद करने को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अवैध खनन को बंद नहीं किया जाएगा तब तक ग्रामीणों का आंदोलन जारी रहेगा। नागौर के तीसर में बिजली लाइन पर काम करते समय युवक की करंट के चपेट में आने के बाद जारी बवाल शांत हुआ। खीसर विधायक नारायण बेरीवाल जनप्रतिनिधि समेत परिजनों ने जीएसएस के बाहर धरना दिया। झुंझुनू में जिले भर में मनाया जा रहा है विश्व ओजोन दिवस। शहीद जेपी जानू स्कूल में हुआ कार्यक्रम। स्कूल परिसर में पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। जयपुर के पापड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12 सितंबर से चल रहे ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक का समापन हुआ। पर्वतसर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेलों का समापन समारोह स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खेल मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट ने शिरकत की। देचू में ब्लॉक स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। लोहावट विधायक कृष्णा राम बिश्नोई ने समापन समारोह में शिरकत की। झुंझुनू में नहर की मांग को लेकर किया जाएगा आंदोलन। किसान एकजुट होकर उठाएंगे अपनी मांगे। प्रतापपुरा में भारतीय किसान संघ का तहसील स्तरीय अभ्यास वर्ग आयोजित। झुंझुनू में करीब 3 माह बाद नगर परिषद झुंझुनू को मिला स्थायी आयुक्त। दिलीप पुनिया ने संभाला नगर परिषद में पदभार। डूंगरपुर से स्थानांतरित होकर आए हैं आयुक्त। बालू खंड के चामुंडेरी ग्राम के गौ प्रेमियों और व्यापारियों ने गायों में फैल रही बीमारी को लेकर नाना नायब तहसीलदार और चामुंडेरी ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ के जनसुनवाई सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले भर से लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जयपुर के नायल भूमिया बाबा क्यारा में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। मजदूरों को खुदाई करते समय सिक्के मिले। भू अभिलेख निरीक्षक संजीव शर्मा ने मजदूर से 51 सिक्के बरामद किए। रेल मंत्रालय ने चौमू डाबला श्रीमाधोपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मंजूरी दे दी है। यहां की सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके 3 जगह ट्रेनों के ठहराव की मांग की। रेनवाल की जनता को मुंबई के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे जयपुर और फुलेरा के चक्कर। 20 सितंबर से रेनवाल में चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस का होगा ठहराव। दैनिक रेल यात्री महासंघ और ग्रामीण विकास समिति के तत्वाधान में 18 सितंबर को सद्बुद्धि योग और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए आसलपुर जोबनी रेलवे स्टेशन और आसपास के गांवों में पीले चावल बांटकर आमंत्रण दिया गया। बारा में शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व से सटे मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में 17 सितंबर को नामीबिया से चीते लाकर छोड़े जाएंगे। बारा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर लोग नदी की पुलिया कर रहे हैं पार। पुलिया पर चल रही पानी की चादर।
बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध में पानी की आवक लगातार जारी। बांध के 14 गेट खोले गए। बांध का जल स्तर 281.35 मीटर तक पहुंचा। बारा के छबड़ा के गुगुर गांव के पास पार्वती नदी में 12 से अधिक अवैध ट्यूबों का संचालन हो रहा है। लोगों की जान जोखिम में डालकर ट्यूबों की सहायता से नदी पार कराकर ट्यूब संचालक मुंह मांगा किराया वसूल रहे हैं। बारा के कोटड़ी सुंडा गांव में पार्वती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कोटड़ी सुंडा निवासी गिरिराज सहरिया पार्वती नदी में नहाने के लिए गया था। इस दौरान युवक तेज बहाव की वजह से बह गया। बारा की किशनगंज उपखंड मुख्यालय समेत पूरे क्षेत्र में 3 दिन से हो रही बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। स्कूलों में पानी तक भर चुका है। ऐसे में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ में लगातार बरसात का दौर जारी। कभी रिमझिम तो कभी तेज हो रही है बारिश और मौसम सुहावना हो चुका है। फतेहपुर सरकारी कॉलेज को सोसाइटी के अधीन करने के विरोध में SFI और DYFI ने उपखंड कार्यालय के सामने नारेबाजी का प्रदर्शन किया और फतेहपुर सरकारी कॉलेज को सोसाइटी के अधीन किए गए आदेश को वापस लेने की मांग की। लक्ष्मणगढ़ के राजकीय सौधानी उप जिला अस्पताल का सीकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन लाल ने निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में MRS की मीटिंग ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और सत्यप्रकाश शर्मा को बनाया गया PCC सदस्य। जिले के कांग्रेसियों में दौड़ी खुशी के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कोटा के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान में हजारों हाथ उठे। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ममता तिवारी के नेतृत्व में जिला स्तर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज हुआ। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी समिट में हिस्सा लेने के लिए आए कई देशों के डेयरी विशेषज्ञ जयपुर पहुंचे। उन्होंने जयपुर डेयरी की कवरपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का दौरा किया। चूरू के बिदासर में नया मोड़ युवा मंडल ने सावरमल सुशीला देवी राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय मेगा युवा उत्सव 2022 के तहत ब्लॉक स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया। बारा जिले के अंता में हुए LSS सहकारी समिति के चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल ने बाजी मारते हुए 12 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की। सहकारी समिति के 11 वार्ड में हुए चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन सांचौर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान सांचौर और सरनाऊ में चल रहे वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट मैचों का अवलोकन किया। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी बीदासर के दौरे पर रहे। भाटी ने सांडवा से लुहारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। SCO समिट में बोले PM मोदी, दुनिया के सामने खाद्य संकट बड़ी चुनौती। औद्योगिक विकास पर सभी देश सभी मंच पर रहे एक साथ। SCO बैठक से पहले सभी 8 देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ नजर आए। SCO समिट पर कांग्रेसी सांसद की ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश। सोनिया और राहुल की चाइना वाली फोटो पर कसा तंज। विवादों में आई राहुल की यात्रा के लिए सब्जी वाले से जबरन चंदा वसूली करते कांग्रेस कार्यकर्ता वायरल। बीजेपी का हमला, देश लूटने वाले सब्जी वालों को लूट रहे। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। लिखा, देश के लुटेरे अब सब्जी वालों को लूटने लगे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर देश भर में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी रेड 6 राज्यों में करीब 40 जगहों पर छापेमारी। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले अरविंद केजरीवाल, अगर स्टिंग ऑपरेशन सही है तो सिसोदिया को गिरफ्तार करें। CBI ईडी के नाम पर डराना बंद करें केंद्र। 60 घंटे बाद बेगूसराय फायरिंग मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार। आज बिहार पुलिस करेगी साजिश का खुलासा। फायरिंग में एक की मौत, 10 लोग हुए थे घायल। लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग बहनों के रेप और मर्डर के आरोपियों पर लगेगा NSA SC ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। सोनाली फोगाट मर्डर मामले में CBI ने किया FIR दर्ज। गोवा में आज से जांच में जुटी CBI की टीम। गुजरात के वलसाड में केमिकल फैक्ट्री में आग का तांडव। एक दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद। भारी मात्रा में नुकसान की आशंका। यूपी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। लखनऊ में दीवार ढहने से 9 लोगों की मौत। उन्नाव में मकान की छत गिरने से 3 बच्चों की गई जान। CM योगी ने हादसों पर जताया दुख। कल से शुरू होगी उपहारों की ई नीलामी। PM मोदी को मिले गिफ्ट की होगी नीलामी। यूपी के वाराणसी में PM मोदी के जन्मदिन से पहले लोगों ने की गंगा आरती। कल है PM मोदी का जन्मदिन। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिला 3 करोड़ का कैश। करोड़ों का सोना चांदी और 10 क्विंटल देसी घी।
कल नामीबिया से ग्वालियर आएंगे 8 चीते। आज शाम नामीबिया से स्पेशल विमान भरेगा उड़ान। नामीबिया से ग्वालियर लाने के बाद पूनो पार्क लाए जाएंगे। पीएम मोदी करेंगे प्रोजेक्ट का शुभारंभ। एक से फिर हैदराबाद शर्मसार, नाबालिग लड़की को दो युवकों ने बनाया 2 दिनों तक हवस का शिकार। दोनों गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बच्चा चोरी के आरोप में किन्नर की पिटाई, पुलिस ने 8 लोगों पर मुकदमा किया दर्ज। मुंबई में मिलावटी दूध के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, 1,000 लीटर से ज्यादा दूध जब्त। उत्तर प्रदेश में 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर कंपनियों ने दाखिल किया प्रस्ताव। भोपाल में स्कूल बस में बच्ची से रेप मामले में स्कूल प्रबंधन पर दर्ज FIR, डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ केस, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के झांसी में 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, 3 लोग मलबे में दबे, पुलिस ने 3 लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। बिहार के सुपौल में स्टेज प्रोग्राम के दौरान तमंचे पर डिस्को अश्लील गाने पर पिस्टल लहराते नजर आए डांसर्स, एक युवक ने स्टेज पर की फायरिंग। मुंबई में लालबाग के राजू के भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान, 5 किलो सोना, 60 किलो चांदी, 5 करोड़ से ज्यादा कैश का चढ़ावा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले की टिकट बुकिंग खुलने के साथ ही सोल्ड आउट हो गई है। ICC ने इस मुकाबले के लिए खड़े होकर मैच देखने के लिए भी अलग से टिकट की व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ ही मिनट में वो भी बिक गई। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट होकर मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। चोटिल होने के बाद बुमराह रिहैब से गुजर रहे थे, अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तूफानी वीडियो शेयर किया जिसमें वो नेट्स गेंदबाजी के अलावा जिम में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। एमपी के इंदौर में लगा क्रिकेट के पुराने दिग्गजों का जमावड़ा, तेंदुलकर, लारा, वॉटसन, युवराज फिर दिखाएंगे जौहर, रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा। स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की, अचानक लिए गए फैसले से प्रशंसक मायूस, लावर कप में आखिरी बार खेलते आएंगे नजर। 40 साल के फेडरर के संन्यास पर स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल हुए भावुक। नडाल ने दरअसल ट्विटर पर लिखा, काश ये दिन कभी नहीं आता, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और दुनिया भर के खेलों के लिए एक दुखद दिन। भारत समेत पश्चिमी देशों के साथ इजराइल ने किया सैन्य अभ्यास, इजराइल ने कहा आधुनिक युद्ध के मैदान की बदलती चुनौतियों के सामने ऐसे युद्ध अभ्यास बेहद जरूरी। रूस यूक्रेन युद्ध का युद्ध जारी, यूक्रेन का दावा रूस ने जलाशयों को बनाया निशाना, बांध पर रूस के हमले को बताया मानवता के खिलाफ अभियान। पाकिस्तान पर नहीं हुआ बाढ़ का असर कम, सिंध प्रांत में नौसेना ने राहत सामग्री पहुंचाई, कई जगह पानी उतरने के बाद कई जगह बीमारी फैली। गुरुवार को ग्वाटेमाला में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर, आजादी का जश्न मनाने के दौरान मची थी भगदड़। राष्ट्र मुख्यालय में क्वीन एलिजाबेथ को दी गई श्रद्धांजलि, महारानी का 70 साल सिंहासन पर बैठने के बाद बीते गुरुवार को निधन हो गया था।